हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे ऊपर वाले आंटी के यहाँ है गणेश जी का खाना। तो वहाँ पे गणेश पति बप्पा को भोग लगाने वाले हैं और सभी लोगों को उन्होंने इनवाइट किया है खाने पे। तो जा रहे हैं हम लोग ऊपर, उनकी थोड़ी सी मदद भी करवा देंगे और प्लस वहाँ पे जो उनके गेस्ट आए हैं उनको सब खाना वाना किस तरीके से होता है चलिए दिखाती हूँ। तो मैं भी चली गई थी ऊपर और सामने ही गणपति बप्पा विराजमान हैं। तो पहले हमने किया प्रणाम उनको और बस देखिए कितनी छोटी सी प्यारी सी मूर्ति है यहाँ पे, और डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छा है और खाना भी लगभग बनने शुरू हो चुका था और सब्जी वगैरह बन रही है और जो भी भगवान को जो भोग चढ़ाना है खाने के पहले वहाँ भगवान को सारी चीज़ जो जो भी बनेगी वो अर्पित करेंगे। उसके लिए 21 मोदक, 21 पूड़ी, 21 आटे के दिए जलेंगे। इस तरीके से सारी तैयारियां हो रही हैं और उनके लिए थोड़ा थोड़ा भोग अलग से भी बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने गणपति पप्पा की मूर्ति के सामने रखी जाएंगी, फिर आरती वगैरह होंगी और फिर उसके बाद में सबको खाना खिलाया जाएगा। ये सारा ऐसा कुछ प्रोग्राम है। तो देखिए यहाँ काटा जा रहा है सलाद, इसको जो भैया है पौते लगन के साथ काट रहे थे। और देखिए सारी किसी किस जो भी चीज़ें बनानी थी वो बन गई थी। तो मैंने ये कुरोड़ी वगैरह जो भी है वो सब तल दिया था और बस आखिरी प्रिपरेशन हो रही है। सारा कुछ बन चुका है और गणपति बप्पा के भोग की पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है और हम लोगों ने देखिए यहाँ पे सारा कुछ सजा दिया है। ये सारी पहले पूड़ियाँ बिछाई हैं, उनके ऊपर 21 आटे के दिए लगाएंगे और ये पूरे दियों को बाद में आरती के टाइम पे जलाएंगे। और सामने जितना कुछ घर में उनको हमने खाने की चीज़ें बनी थी जो सबको खिलाना है प्रसाद, वो भी और उनके लिए कुछ अलग से बनाया गया था मिठाई में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चढ़ा करके उनकी पूजा की। तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था ये सब ऐसा लगाने के बाद में। ये महाराष्ट्र में इसी तरीके से पूजा की जाती है, तो आंटी लोग वहीं से हैं तो इसीलिए वो हमेशा वैसे ही करते हैं, उन्होंने बताया। तो इस तरीके से उन्होंने करी। अब आरती की तैयारी हो रही है क्योंकि अब उनके बाकी मेहमान भी आने लगे हैं। तो देखिए सारी लेडीज़ वगैरह जो आने वाली थी सब आ गई है। देखिए ये हमारा घर है, ये ऊपर में आंटी लोग रहते हैं और हम लोग रहते हैं नीचे। और खाना भी लगभग अब फिनिशिंग में आ गया है, लास्ट में गरम गरम अब पूड़ियाँ तली जा रही हैं ताकि इसके बाद में आरती करेंगे। और देखिए दिए भी लग गए हैं और सारा कुछ प्रसाद उनको भोग अर्पित करने के लिए चढ़ा दिया गया है। और बस अब हम लोग आरती कर रहे हैं। कामना पूर्ति जय देव जय देव खचित फरारा तुझ गौरी को। तो आरती वगैरह सब कुछ हो चुकी है, अब खाना भी रेडी है और गेस्ट भी आ चुके हैं। तो सारे लोगों ने सबको पंक्ति से बैठ गए थे और खाना परोसना चालू हो गया है। वैसे ये फेस्टिवल ज़्यादातर महाराष्ट्र में मनाया जाता है, वहाँ पे लगभग घर घर में गणेश जी विराजमान होते हैं और इसी तरीके से लोगों के यहाँ भोजन और खाना पीना होता है। हम लोग के इधर MP में भी है मगर उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम लोग बिठाते हैं और सार्वजनिक पंडालों में ज़्यादा बैठते हैं गणेश जी। लेकिन हमारे इस बार हमारे मोहल्ले में भी 2-3 घरों में गणेश जी विराजमान थे। तो इसी तरीके से सब पंक्तियाँ में लोग आते गए और सबको बस खाना इसी तरीके से खिलाया हम लोगों ने। तो बस आज का ये कार्यक्रम इसी तरीके से संपन्न हुआ। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो तो ज़रूर बताइएगा। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।